1 2 3 start. Hi everyone, today we will learn about verb. A verb is a word that shows action. Example: run, swim, jump, read, sleep, talk, eat, drink, fight, dance, cry, laugh. इशा करके भी दिखा दो. run, run, swim, jump, read, हाँ, sleep, talk, eat, drink, write, fight, dance, cry, wonderful. Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे. और लास्ट वीडियो में आप लोग के बहुत ही सुंदर कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच. और आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, जो मतलब रियली मुझे लगता है कि हाँ, आई होप एक दिन सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. आपने मुझसे बोला कि ईशा के लिए स्कूलिंग पे अपडेट कर दो आप, तो ये मेरा हमेशा बहुत ही पेन पॉइंट होता है, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मुझे अभी तक जो स्कूल से सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे ऐसा स्कूल मिला ही नहीं है. मे बी अभी भी टाइम लग रहा है, या फिर एक्चुअली में कोई ऐसा स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. फॉर नेम से ईशा के स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है, और वो उस स्कूल में मतलब उसका एडमिशन है, चीज़ें हैं, बट कुछ उनकी तरफ से काम या एफर्ट नहीं होता है. अभी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो ये है कि मुझे ईशा को किसी ऐसी जगह डालना है जहाँ पर उसकी थेरेपीज़ भी होती हैं, जहाँ पर उसकी पढ़ाई भी होती है, जहाँ पर उसके ऊपर काम भी होता है, और जहाँ पर वो इंजॉय करती है. तो मैं अभी बहुत सारे स्कूल्स विज़िट करके आई हूँ. इसमें स्पेशल स्कूल भी है और इसमें नॉर्मल स्कूल भी है, तो अभी तक मुझे कोई परफेक्ट स्कूल नहीं मिला है. एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ईशा को उतना इंगेज रख सकूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगती है. नहीं तो पहले फुल डे मेरा ईशा के साथ होता था, तो मैं बहुत काम कर पाती थी. ठीक है ना, मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा चाहिए कि मैं भी काम कर रही हूँ और एक मेरे पास कोई और भी ऐसी जगह जाती है जहाँ पर ईशा के ऊपर काम हो रहा है. तो मैं रियली हर वीक में 2 से 3 दिन मेरे ऐसे होते हैं जब मैं बाहर विजिट करती हूँ, जब मैं ट्राई करती हूँ कि ईशा के लिए कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जहाँ पर ईशा इंगेज रहे. सो अभी प्रैक्टिकली काम मैं ही कर रही हूँ. जैसे स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए लगा दिया गया है, उसको 1-2 क्लासेस में और इंगेज कर दिया गया है, उसकी पढ़ाई लिखाई घर पे हो रही है, सिलेबस मेरे पास है, बुक्स मेरे पास हैं, और मैं अपने तरीके से उसे पढ़ा रही हूँ. सो दिस इज़ दी अपडेट जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्कूल के लिए क्या अपडेट चल रहा है. मैंने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, ऐसा बहुत आता है. देखिए मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो स्कूल नाम की चीज़ है, इट इज़ अ मिथ. मैंने बहुत बार बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, इसलिए मैं रियली ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ पर ईशा सेटल हो सके. नहीं हो पाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही एक ऐसा उसके लिए कुछ चीज़ बनानी पड़ेगी जहाँ पर मैं बाहर से टीचर्स को बुला रही हूँ और ईशा पे काम करवा रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि मुझे पैसा, एनर्जी और ईशा का टाइम, तीनों को यूटिलाइज करना है. तो मैं देखिए, स्कूल जो भी हैं, जितने भी, अगर वो आपके बच्चे को एडमिशन भी देते और काम नहीं करते तो आपसे पैसा तो लेते ही हैं ना, तो पैसा आप कहीं ना कहीं डाल ही रहे हो. और अगर डाल करके बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो पैसा वेस्ट है. आपका बच्चा जा रहा है, आप उसको भेजने बहुत एफर्ट लगाते हो, सुबह उठते हो, तैयार करते हो, भेजते हो, वापस लेकर के आते हो, उसकी सारी कॉपीज़ देखते हो, वो भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है. तीसरा, आप जो बच्चा भेज रहे हो तो वो कितना ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिता रहा है, उसमें कितना ज़्यादा सेंसरी होकर वापस आ रहा है. मतलब मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि ईशा अगर वहाँ चली जाए ना तो ईशा बहुत ज़्यादा सेंसरी होकर के आ जाती है, तो मेरा काम बढ़ जाता है करने के बजाय. तो इन्हीं सब चीज़ों में जूझ रही हूँ मैं. और बाकी अगर मैं बात करूँ कि ईशा अब, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि उसका थोड़ा सा मुझे बिहेवियर इश्यूज़ दिख रहे हैं, मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया है, उसको पैम्पर करना शुरू किया है, उसको हर बात पर मतलब लाइक टोकना ख़त्म कर दिया. जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ उतना ही टोकती हूँ मैं. तो मुझे ईशा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ईशा काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज्ड हो जा रही है, और धीरे धीरे छोटा छोटा मुझे दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होते हुए दिखने लगी है. तो अब मैं जो देखती हूँ कि ईशा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसको राइम सुनाना चाहती है,
उसके साथ मतलब जब उसका मन करता है, जब उसका मूड होता है तो उसके साथ लेटना चाहती है, उसके साथ बैठना चाहती है। ये जो टाइम होता है ये बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन ये होता है। उसका खुद भी इंटरेस्ट आने लगा है कि ये अनविका है यहाँ पर, या अगर अनविका उसे सुबह से नहीं दिखती है तो पूछती है कि मम्मा अनविका कहाँ है, या अनविका सो रही है क्या। कभी कभी ट्राई करती है कि उसको टच करेगी, कभी उसको हक करेगी। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो मैं रियली मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं, और मैं उसे फोर्स नहीं करती हूँ। और मैं जितना कम फोर्स करती हूँ, लाइक जब मैं फोर्स ही नहीं करती हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ कि ईशा का इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन कहीं अगर किसी ने उसे बोल दिया कि ऐसा करना है तो बिल्कुल नहीं करती। मे बी शायद एज फैक्टर है कि बड़ी हो रही है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसे कोई बताए कि क्या करना क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने ईशा का आपके पास साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है। आजकल मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसलिए कि हम क्या करेंगे, हम कब करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो मुझसे रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है। तो मैंने एक छोटा सा क्यूट सा एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, और आई होप आगे आने वाले दिनों में मेरा कुछ ऐसा कुछ भी मुझे मिलता है जो मुझे लगता है कि प्लान हो पा रहा है, या ईशा के लिए मैं कुछ प्लान कर पा रही हूँ उसके स्कूलिंग को लेकर के, तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को अपडेट करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। When the go to the pink dance class. Okay. Next question. When they go to the activities wala school. Okay. Next question. When they go to the temple. Okay. Next question. When they go to the tapas area. Okay. Next question. When the daddy will come. Okay. Next question. When they cut the cake. Okay. Next question. When they go to the CP buffet. Okay, next question. When they go to the market. Okay. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका सामना मेरा दिन में 3 से 4 बार होता है, और ये इतने सारे वैन के क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैं रोज जवाब देती हूँ कम से कम दिन में 4 से 5 बार। डन ईशा, बाय बाय कर दो ईशा। बाय। ओए कैमरे की तरफ से देख। हाँ अब करो बाय। Bye-bye. Very nice.